स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त राहुल धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूं। सबसे पहले एक छोटा सा काम, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिस तरीके से पहला T20 मैच हुआ था जिसमें हेल्स और आपका बटलर की शानदार परफॉर्मेंस थी, बटलर का शानदार आगाज मैं कहूंगा क्योंकि इंडिया की तरफ से भी इंडियन में जो मैच हुए वो भी नहीं खेला, आपका पाकिस्तान के साथ जो श्रृंखला हुई थी उसमें वो नहीं खेल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की जो पूरी एक श्रृंखला थी उसमें एक लंबा आराम मिलने के बाद जब बटलर वापिस आया तो पहला मैच काफी अच्छा लगने। इस मैच में शुरुआती गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर मैं कहूँ तो अच्छी रही। हेल्स 4 रन पर, स्टोनिस की विकेट और उसके बाद पैट कमिंस वापसी कर रहे हैं इस मैच में, जोस बटलर की विकेट निकाली। तो जो एक फॉर्मूला ऑस्ट्रेलिया ने इस T20 मैच में जो इस पूरे मैच के अंदर देखने को मिला कि तेज गेंदबाजी और कुछ चेंजेस के साथ ये कुछ खास तरीके की रणनीति ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनाई थी। स्टोनिस से गेंदबाजी की शुरुआत कराई और हेल्स का विकेट निकलवाया, उसके बाद जोस बटलर ने पैट कमिंस की गेंदबाजी को हम सभी जानते हैं जिस तरीके से गेंदें अमूमन डिलीवर करते हैं। गेंद उनकी गेंदों में मैं ये कह सकता हूँ कि और गेंदबाजों के मुकाबले उनकी जो गेंदें होती है टिप्पा पड़ने के बाद रुकती हैं। एक होता है स्किड कर रही है, उनकी गेंद थोड़ी सी रुक के फिर मूव करती है, वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह सकते हैं। और उसी दरमियान बल्लेबाज वहां गलती करता है जो जैश बटलर ने की, 17 रन बनाए थे 3 चौकों की मदद से, लेकिन वहां जो पैट कमिंस को पूरा ओवर अगर आप देखेंगे ना तो आप ये समझ पाएंगे किस तरीके की गेंदबाजी थी। पूरी तरीके से मतलब एक सेटअप किया और उसके बाद से विकेट निकलवाई, थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस हो गए क्योंकि 3-4 गेंदें जो खाली चली गई थी वहां से थोड़ा सा वो ओवर कॉन्शियस हो गए, वहां उन्होंने एक हिट लगाने की कोशिश की और जंपर का अपन कैच पकड़ा गया। मलान, डेविड मलान पाकिस्तान खिलाफ खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आए थे, एक दो मैच छोड़ दिया जाए, लेकिन इस मैच में डेविड मलान 82 रन 49 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्के की मदद से। और ये जो जिस तरीके की बल्लेबाजी डेविड मलान की रही, मैं हमेशा ये डेविड मलान के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि इंग्लैंड टीम आंख बंद करके भरोसा कर सकती है जिस तरीके को बल्लेबाज है स्टॉक्स। मैं ये कह सकता हूँ जब से उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है ओडीआई मैचेस से उसके बाद से T20 मैचेस में उनका परफॉर्मेंस उतना शानदार नजर नहीं आया, लेकिन बड़ा खिलाड़ी बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है जो T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी नजर में, इस बात पे बैट लगा सकता हूँ कि ये खिलाड़ी T20 मैच का नंबर वन प्लेयर बन के निकलेगा। और इंग्लैंड टीम इस खिलाड़ी का चाहता घूमेगी, वो है बेन स्टॉक। इस मैच के बारे में मलान का एक तरफ से और मोइन अली एज ए कैप्टन, मैं हमेशा इस बात को हर अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर को बदल दिया है और नीचे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं की बल्लेबाजी क्रम में बहुत ज्यादा बल्लेबाज हो गया और उनसे बेहतर वो ये समझते कि उनसे बेहतर, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि फर्स्ट डाउन का स्लॉट उन्होंने अपने लिए T20 मैचेस में चुना था, दैट वॉज अ सूटेबल परफेक्ट फॉर हिम। वो वहाँ परफेक्टली स्कोर कर रहे थे, रन कर रहे थे और इसी वजह से, लेकिन इसमें पिछले एक दो श्रृंखला से जिनकी परफॉर्मेंस डाउन डी ऑर्डर, इसमें जो 44 रन बनाए साइजदारी 178 रन जो टोटल बोर्ड पर लगा उन दोनों ही बल्लेबाजों की वजह से, अदरवाइज कोई और बल्लेबाज, ब्रुक्स 1 रन पे गए, उसके बाद से सैम करन 8 रन, क्रिस जॉर्डन एक फिर मतलब क्रिस जॉर्डन को किया गया कि उन्हें इस टीम में खिलाया गया है। क्रिस जॉर्डन भी ऐसे कि डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट में कहूँगा क्रिस जॉर्डन को, जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं स्पेशली उनकी गेंदें ओवर द स्टंप से अमूमन आप ये कह सकते हैं कि डेथ में ज्यादा गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को रूम नहीं देते। विकेट कॉलम में जॉर्डन का मैं ये कह सकता हूँ खाली रहता है क्योंकि जब वो लास्ट के 17 ओवर या 16 ओवर से अपने बाकी के 2 या 3 ओवर करते हैं। जॉर्डन इंग्लैंड के लिए ऐसे गेंदबाज है जिनका स्पेल एक ओवर का होता है, इंग्लैंड टीम ने बहुत किफायती तरीके से यूज करती है एक ओवर का स्पेल, फिर बीच में एक ओवर और लास्ट 2 ओवर बचा के रखती है कि वो 18 और 20 ओवर करें इस तरीके की, क्योंकि वो है उनमें काबिलियत है, रन रोक देते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप करते हैं, विकेट नहीं निकाल पाते इतनी ज्यादा, लेकिन अगर बल्लेबाज अत्यधिक कोशिश करता है तो वहां विकेट जरूर मिलती है। तो 178 रन बोर्ड पे लगे मलान और आपका मोइन अली की बल्लेबाजी काफी अच्छी रही, बाकी खिलाड़ियों 2-4-5 रन, एक बटलर 17 रन और इस 178 रनों का जो गेंदबाजी रही ऑस्ट्रेलियन टीम की हेजलवुड 4 ओवर में 39 रन, अमूमन ये स्कोर दिखता नहीं है हेजलवुड के लिए क्योंकि वो कह जाते हैं कि वो मैग्रा के कार्बन कॉपी है, उसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं, लाइन लेंथ
सटीक है, वो अपने लिमिटेशन को जानते हैं और उसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं। कमिंस चारों में उत्कृष्ट रहे, क्योंकि स्टोइनिस चार ओवर में उन्होंने 34 रन दिए, 3 बहुमूल्य विकेट निकाले। और ये स्टोइनिस का अच्छा यूज किया, मैं कहूँगा कि इस बार वार्नर का फिंच ने बहुत अच्छा यूज किया स्टोइनिस का। स्टोइनिस अमूमन गेंदबाजी में इतना यूज होते नहीं है, लेकिन अगर वो किया जाए सही तरीके से तो अच्छे गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं। स्टार्क देखिए गेंदबाजी का जो इस मैच में जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने रणनीति लगाई, हेजलवुड, कमिंस, स्टोइनिस, देन स्टार्क। और स्टार्क ने 4 ओवर 42 रन, देखिए 1 विकेट, मैक्सवेल 1 ओवर में 6 रन, जैम्पा 3 ओवर 26 रन 2 विकेट। तो विकेटों का कॉलम अमूमन सभी गेंदबाज का बेहतर रहा, एक स्टार्क को छोड़ दिया जाए, हेजलवुड को छोड़ दिया जाए, और ये शायद ये फर्क पड़ा कि जोड़ी के साथ फेरबदल करने का। एक आध मैचेस में ऐसा होता भी है कि अच्छे खिलाड़ी कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और 178 रन का लक्ष्य जब ऑस्ट्रेलियन टीम इसका पीछा करने उतरी, तो शायद इस बार भी पहले मैच की तरह ऑस्ट्रेलियन टीम पर इंग्लैंड की गेंदबाजी काफी ज्यादा भारी पड़ी। टॉपली ने वार्नर का 4 पिछले मैच में वार्नर के लौटे खिलाड़ी थे, 74 रन का स्कोर किया था, और इस मैच में 4 रन। वो शुरुआती लम्हे टॉपली की वो गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म से जब वो गेंदबाजी करते हैं और उनकी गेंदें अमूमन क्योंकि टिप्पा पड़ने के बाद वो एंगल कह सकते हो आप या वो स्विंग कह सकते हो जो बाहर निकलती है, और वो जो वो उठती है गेंद बाउंस के साथ स्विंग लेती है। एक होती है गेंद स्विंग हो चुकी है तब बाउंस हो रही है, तो उसे एडजस्ट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन वो जो एंगल के साथ अगर बाहर भी निकल रही है तो बाउंस के साथ रहता है। यानी आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ठीक है गेंद यहाँ टिप्पा पड़ गई है और अब इस एंगल पे मैं उसे डिफेंड कर सकता, नहीं, वो जब तक आपके पास पहुंचेगी गेंद बहुत हद तक है कि और ज्यादा कोर बना के निकल जाएगी। और एक यही खास वजह यही है कि जिसकी वजह से आपका विकेट बॉर्डर की निकली है यहाँ पे। उसके बाद एरन फिंच इस बार ओपन किया, क्रेग ग्रीन को इस बार ओपन में नहीं लाया गया, और ग्रीन गेंदबाजी में भी नहीं दिखे तो इस बार ग्रीन टीम में नहीं है। और एरन फिंच, मिशेल मार्श 45, मिशेल मार्श का हमेशा प्रदर्शन अच्छा रहा है, वो इन आउट बल्लेबाज रहे हैं, शॉन मार्श के भाई हैं, शॉन मार्श भी काफी एक शानदार प्लेयर है, तो मिशेल मार्श गेंदबाजी में बहुत अच्छा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम में ये होता है कि एक समय में इतने बेहतरीन खिलाड़ी हो जाते हैं ना कि पता नहीं चलता कि आप किसको किस तरीके से गेंदबाजी कराएं या बल्लेबाजी में किस क्रम पर भेजें। ये जब अत्यधिक चीजें आपके पास हो जाती है ना, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, उसका फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी है। कि नुकसान ये है कि फिर आप चूज नहीं कर पाते कौन सा बेस्ट रहेगा और में से किस। कई बार होता है मिशेल मार्श से ओवर नहीं कराए जाते, कई सीरीज निकल जाते, उसके बाद तुरंत मिशेल मार्श को ओवर दिया जाता है किसी मैच में और वहां उनका प्रदर्शन निखर के आता है, तो फिर ये डाउटेबल सिचुएशन हो जाए। पिछले मैच में मिशेल मार्श को मैंने यूज क्यों नहीं किया था, यहाँ उन्होंने 45 रन किए, ग्लेन मैक्सवेल 8 रन, बल्ला चल नहीं रहा खिलाड़ी का। उसके बाद मार्कस स्टोरिस 3 विकेट और 22 रन, और कोई बल्लेबाज नजर नहीं आया जो इंग्लैंड की गेंदबाजी के आगे थोड़ा बहुत भी हाथ दिखा पाता। एक टोटल 170 रन 6 विकेट पे 8 रन से मैच निकल गया। स्टॉक्स ने ओपन किया 2 ओवर में 10 रन 1 विकेट, डेविड विली 3 ओवर में 21 रन 1 विकेट, टॉपली 4 ओवर में 35 रन 1 विकेट, सैम करन। और देखिए एक बड़े मैच से पहले सैम करन का चलना, पिछले मैच में 2 विकेट थे, इस मैच में 3 विकेट हैं, तो कहीं ना कहीं सैम करन की गेंदबाजी में आप देखेंगे वो जब गेंदबाजी के लिए जब क्रीज पे जाते पहुंचते हैं जहां वो रिलीज करते हैं गेंद को, उस मीटिंग पॉइंट पे देखिएगा जब वो डिलीवरी पॉइंट होती है जहां वो स्टार्ट लैंड करते हैं, वहां गेंद को रिलीज करने के बाद वो एक अलग ही एयर में ही अपने आप को बाहर ले जाते हैं। और ये जो एंगल वो बनाते हैं इससे गेंदों का बड़ा फर्क पड़ता है, गेंद इस एंगल से अमूमन जो एंटिसिपेशन होता है बल्लेबाज का कि ठीक है यहाँ गेंद टिप पर पड़ के आउट हाथ से पड़ सकता है बल्लेबाज आउट स्विंग या इनस्विंग, लेकिन जब वो उसी फॉलो थ्रू में अपने आप को साइड करते हैं ना, वहां से गेंद और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और पिछले 2 मैचेस में देखने को मिल रहा है सैम करन की गेंदबाजी में, तो इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी इस तरीके से परफॉर्मेंस जिनका चल रहा है, मुझे ये लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है और ये देखने में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बेन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ना कर पाना, एक अच्छे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ना कर पाना बड़े मैचेस में बहुत बढ़िया होता है। और एक अच्छे जो खिलाड़ी काफी लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, सडनली वो चल रहा है और फिर उस लय को बरकरार रखता है। आपका मलान की बल्लेबाजी, आपका हेल्स है, आपका जोश बटलर है, तो ये और उसके बाद से बैट शॉट टीम में वापसी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं टीम में एक जुटता और जो एक
जो रिक्त स्थान मैं कह सकता हूँ जो इंग्लैंड टीम में अभी देखने को मिल रहा है कि उस तरीके वो बल्लेबाजी क्लिक नहीं कर पा रही। ब्रुक्स का एक अच्छा मिडिल ऑर्डर है, बेन डकेट है जो मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छे और इफेक्टिव रन बनाते हैं, जहाँ पोजिशन अटैकिंग स्ट्रोक्स की होती है वो खेलते हैं और डिफेंड भी बहुत अच्छा करते हैं। इंग्लैंड टीम इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि काफी बेहतर नजर आ रही है इंडियन टीम की कंपैरिजन में। इंडियन टीम में बॉलिंग डिपार्टमेंट कमजोर नजर आ रहा है, स्पेशली तेज गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस होने वाले तो ये बड़ा एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है इंडियन टीम के साथ कि तेज गेंदबाजी के बावजूद किसके हाथ में। ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर बात करूं बल्लेबाजी क्रम में कुछ हद तक डिपेंडेबल नहीं नजर आ रही, कभी ग्रीन एज ओपनर खेल रहे हैं, कभी पिंच खेल रहे हैं, मिचेल मार्श को कभी मौका मिल रहा है, कभी स्टॉइनिस, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट पोजीशन है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। वो किस तरीके से अपने आप को इस T20 वर्ल्ड कप लिए तैयार करती है, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला T20 वर्ल्ड कप। और जो आज का मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड का था और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दोनों टीमों की रही, मैं इंग्लैंड टीम के साथ जाना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, उसके बाद गेंदबाजी में बस स्टार्टिंग बॉलिंग चाहे वो ट्रॉपली थे चाहे डेविड विली है, उन्होंने रन गति के हिसाब से गेंदबाजी की और अपने आप को संयम के साथ गेंदबाजी करते हुए विकेट ज्यादा नहीं निकाले, एक ही विकेट निकाले, एंड में सैम करन ने 3 विकेट निकाले, लेकिन जो रन गति पर रोक लगाई, जो ऑपोजिशन को जिस टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया, दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप किस तरीके से रन गति को रोकते हो, किस तरीके से डिफेंड करते हो। और इसके लिए मोइन अली, आज के टाइम में अगर मैं T20 कैप्टन्स की अगर चर्चा करूँ तो मोइन अली वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, वो हैंडल सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में मोइन अली और स्पेशली वर्ल्ड कप में मोइन अली का जलवा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।